राष्ट्र के नेता है डॉक्टर यशवीर सिंह जी, बहुत पुराने साथी हैं। सन 2002 से मैं सन 2001 से जानती हूँ, और पुराने लीडर हैं बहुत हमारे तो, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मसूद साहब आज आए हुए हैं, और अनुपम मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारी पार्टी में जो है उद्घोष राणा जी, पूर्व विधायक जो है विजय सिंह राणा जी के पुत्र हैं, वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, और हमारे भोलू जी मंडलेश्वर जी के पुत्र हैं जो चार बार मंत्री रहे थे, उनके पुत्र हैं जो पार्टी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत पार्टी में स्वागत है। और हमारी 23 तारीख को जो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है, उसके लिए हमारा इगलास में जन्मदिन मनाया जा रहा है, और जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि चौधरी जयंत जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी आएंगे, उसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और जैसा हमारी मेरठ में रैली हुई, वैसे ही हमारी वहाँ पर जन्मदिन जोरदारी से जो है हमारी रैली होगी, मनाया जाएगा, इसी की हम तैयारी में लगे हुए हैं। और सब लोग जो है, आप सबका पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, आप लोगों ने इतना कष्ट किया आए, काफी देर से बैठे हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि एक महीने बाद इस प्रदेश में चुनाव, इस सरकार को जाना चाहिए, ये झूठ बोल करके जनता को झांसा दे करके गुमराह करके सत्ता में आई थी, बल्कि इनको हम कहते हैं कि मोदी और योगी दोनों जो है ये झूठों के सौदागर हैं। अब फिर सत्ता में इनका एकमात्र लक्ष्य है, कुछ भी हो जाए इनको सत्ता में रहना चाहिए, और हम ये देख रहे हैं कि इनके नेतृत्व में देश भी बर्बाद हो गया, प्रदेश भी बर्बाद हो गया, किसान तबाह हो गया, बुनकर तबाह हो गया, गरीब तबाह हो गया, और महंगाई अपने चरम सीमा पर है, कमर तोड़ महंगाई है, और डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर किसी चीज का सवाल पूछो जिनके पास कोई जवाब नहीं है, जवाब देने का काम नहीं करते हैं। और किसानों के लिए, किसानों के हितों के लिए, बुनकरों के लिए बिजली की व्यवस्था सामान बनाए रखने के लिए, अपराध के नियंत्रण के लिए, महिलाओं पर अत्याचार ना हो, महिलाओं का उनका हक और अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने एक लोक संकल्प समिति बनाई। उस लोक संकल्प समिति के अध्यक्ष हमारे माननीय डॉक्टर जसवीर सिंह, वो लोक संकल्प समिति अभी ये बताएंगे क्या क्या इनका क्या इन्होंने किया और क्या करना चाहते, वो लोक संकल्प समिति पूरे उत्तर प्रदेश के गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे जा करके छात्रों से, विद्यार्थियों से, कर्मचारियों से, अध्यापकों से, शिक्षा मित्रों से, होमगार्ड के नौजवानों से, किसानों से, बुनकरों से, गरीबों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से राय लिया, और राय लेकर के ये लोग उसका संकलन करके दिल्ली में बैठ करके चौधरी जैन जी के नेतृत्व में एक कहते खाका तैयार किया, एक कलेक्शन दिया, और मैं समझता हूँ कि वो उसके अध्यक्ष, उस संकल्प समिति के अध्यक्ष हमारे माननीय डॉक्टर जसवीर सिंह जी के विधायक हमारे साथ है, उस पर रोशनी ईटा। कौन कौन लोग सर पार्टी के ग्रहण कर रहे हैं? अभी वो भी बता रहे हैं। हाँ। किस तरह से भरोसा करेगी, तो मैं आपको उसका जवाब ये दे रहा हूँ कि जनता ही हमें वो भरोसा और विश्वास दे रही, तभी हम आगरा में हैं। पिछले लगातार 6 महीनों से राष्ट्रीय लोकल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत जी जनमानस के बीच में हैं, किसान पंचायतें हुई, लगातार कार्यक्रम हुए, एक एक कार्यकर्ता संघर्षरत है, तो ये जनता हमें भरोसा दे रही है कि आप आए। दूसरा, आवाम में आप, अगर आप तो पत्रकार हैं, आप तो देख रहे होंगे कि किस तरीके का विक्षोभ है जनमानस के बीच में, हर नौजवान खाली हाथ घूम रहा है, लेकिन जितना प्रचार है, जितनी नौकरियां हैं, वो होर्डिंग्स पे हैं, अखबारों के फ्रंट पेज पर है। यथार्थ में मुझे आप दिखाएं, मैं तो गांव गलियों में जाके देख रहा हूं, जो उज्ज्वला आप लेके आए उससे कोई उजाला किसी घर में नहीं हुआ, धुएं आज भी निकल रहे हैं,
महिलाएं आज भी फुकनी से ही चूल्हा जला रही हैं और हालत ये हो गई गैस सिलेंडर्स की कि वो स्टूल बन के बैठने के काम आ रहे हैं। कौन सा ऐसा आदमी है इस भारत वर्ष में, आप जिस देश की आबादी 40% से ज्यादा गरीब हो वहां पर आप 1,000 रुपए का सिलेंडर देंगे और आप ये पूछेंगे कि ये आदमी के घर में रसोई जलेगी कैसे जलेगी। तो जब आपने घरों से निवाला भी छीन लिया है तो ये आवाम हमें भरोसा दे रही है। और जो हमारा मैनिफेस्टो है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं उनकी इजाजत से आपको बता दूं, उसमें अथक परिश्रम दिया गया है। ये पहली ऐसी राजनीतिक दल की पहल है जिसमें किसानों के लिए, किसानों के हितों के लिए, बुनकरों के लिए बिजली की व्यवस्था, सामान बनाए रखने के लिए, अपराध के नियंत्रण के लिए, महिलाओं पर अत्याचार ना हो, महिलाओं का उनका हक और अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने एक लोक संकल्प समिति बनाई। उस लोक संकल्प समिति के अध्यक्ष हमारे माननीय डॉक्टर जसवीर सिंह। वो लोक संकल्प समिति अभी ये बताएंगे क्या क्या इनका क्या इन्होंने किया और क्या करना चाहते। वो लोक संकल्प समिति पूरे उत्तर प्रदेश के गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे जा करके छात्रों से, विद्यार्थियों से, कर्मचारियों से, अध्यापकों से, शिक्षा मित्रों से, होमगार्ड के नौजवानों से, किसानों से, बुनकरों से, गरीबों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से राय लिया और राय ले करके ये लोग उसका संकलन करके दिल्ली में बैठ करके चौधरी जैन जी के नेतृत्व में एक कहते खाका तैयार किया, एक कलेक्शन दिया। और मैं समझता हूँ कि वो उसके अध्यक्ष, उस संकल्प समिति के अध्यक्ष हमारे माननीय डॉक्टर जसवीर सिंह जी की विधायक हमारे साथ हैं, उस पर रोशनी ईटा। कौन कौन लोग सर पार्टी के सर ग्रहण कर रहे, किस तरह से भरोसा करेगी? तो मैं आपको उसका जवाब ये दे रहा हूँ कि जनता ही हमें वो भरोसा और विश्वास दे रही, तभी हम आगरा में हैं। पिछले लगातार 6 महीनों से राष्ट्रीय लोकल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन जी जनमानस के बीच में है, किसान पंचायतें हुई, लगातार कार्यक्रम हुए, एक एक कार्यकर्ता संघर्षरत है। तो ये जनता हमें भरोसा दे रही है कि आप आए। दूसरा, आवाम में आप, अगर आप तो पत्रकार हैं, आप तो देख रहे होंगे कि किस तरीके का विक्षोभ है जनमानस के बीच में। हर नौजवान खाली हाथ घूम रहा है, लेकिन जितना प्रचार है, जितनी नौकरियां हैं, वो होर्डिंग्स पे हैं, अखबारों के फ्रंट पेज पर है। यथार्थ में मुझे आप दिखाएं, मैं तो गांव गलियों में जाके देख रहा हूं, जो उज्ज्वला आप लेके आए उससे कोई उजाला किसी घर में नहीं हुआ। धुएं आज भी निकल रहे हैं, महिलाएं आज भी फुकनी से ही चूल्हा जला रही हैं और हालत ये हो गई गैस सिलेंडर्स की वो स्टूल बन के बैठने के काम आ रहे हैं। कौन सा ऐसा आदमी है इस भारत वर्ष में, आप जिस देश की आबादी 40% से ज्यादा गरीब हो वहां पर आप 1,000 रुपए का सिलेंडर देंगे और आप ये पूछेंगे कि ये आदमी के घर में रसोई जलेगी कैसे जलेगी। तो जब आपने घरों से निवाला भी छीन लिया है तो ये आवाम हमें भरोसा दे रही है। और जो हमारा मैनिफेस्टो है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं उनकी इजाजत से आपको बता दूं, उसमें अथक परिश्रम दिया गया है। ये पहली ऐसी राजनीतिक दल की पहल है जिसमें सिलेंडर देंगे और आप ये पूछेंगे कि ये आदमी के घर में रसोई जलेगी कैसे जलेगी। तो जब आपने घरों से निवाला भी छीन लिया है तो ये आवाम हमें भरोसा दे रही है। और जो हमारा मैनिफेस्टो है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं उनकी इजाजत से आपको बता दूं, उसमें अथक परिश्रम दिया गया है। ये पहली ऐसी राजनीतिक दल की पहल है जिसमें मैनिफेस्टो हमने ऑफिस में बैठ के नहीं बनाया है, पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, लोगों के बीच में गए, संवाद किया है। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं जो ये कह सके कि उससे बात नहीं की गई है, उनकी तकलीफों को संजोया गया है इसमें। हम लोक लुभावन नहीं बनाना चाहते, मैनिफेस्टो की देखने में बहुत अच्छा लगे, जो यथार्थ पे फलवित हो। जब हम 1 करोड़ नौकरी की बात करते हैं तो सूबे की आबादी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको डिवाइड कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि हम कितनी नौकरियों की बात कर रहे हैं। तो एक तो हमारा ये आधारित है, अध्यक्ष जी ने अभी कहा है, हम सब लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं होता आवाम में खलबली तो आज ये गठबंधन की राजनीति नहीं होती, क्योंकि हमारे छोटे मुद्दे हैं, हमारे घर के मुद्दे हैं। एक गांव में आदमी है, उसको इस बात से फर्क बहुत नहीं पड़ता कि चाइना के बॉर्डर पे क्या पड़ रहा है, उसको इस बात से जरूर फर्क पड़ रहा है कि हमारे बच्चे की फीस जा रही है कि नहीं जा रही, हमारे घर में शाम को चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा। तो हम सब पहले उन मुद्दों को लेकर के हम लोग इस बात पे काम कर रहे हैं कि थिंक लोकल एक्ट ग्लोबल, कि हम लोकल स्तर पर सोचेंगे लेकिन काम हम वैश्विक स्तर पर करेंगे। तो मुझे लगता है आप सबके सवालों के अगर कोई और जवाब कोई
जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।